अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजय प्रसाद के द्वारा थाना अध्यक्ष सा कुएनिया रुपेश कुमार तार बाबू यादव के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें बोधगया थाना पैथर जवान धर्मेंद्र कुमार, दीपक रविदास और जितेंद्र कुमार शामिल थे। इस टीम के द्वारा पकड़े गए युवक मनीष कुमार की निशानदेही पर छापेमारी कर तीन चोर और मोटरसाइकिल बरामद किया गया और इनके गैंग से चार सदस्य को 15,000 रुपए के साथ पकड़ा गया। गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर यह जानकारी प्राप्त हुई है कि बरामद चोरी की एक मोटरसाइकिल विष्णुपद थाना की है और बाकी के दो मोटरसाइकिल नवादा से चोरी की गई है। पकड़े गए लोगों के विरुद्ध बोधगया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है और इनसे गहन पूछताछ की जा रही है, जिसमें इन्होंने बरामद मोटरसाइकिल के अतिरिक्त भी लगभग आधा दर्जन और मोटरसाइकिल विभिन्न स्थानों से चोरी कर नंबर प्लेट बदल कर बेच देने की बात बताई है। इन मोटरसाइकिलों की बरामदगी और गैंग के अन्य सदस्यों के संबंध में पूछताछ और छापेमारी की जा रही है। सभी गिरफ्तार लोगों को जेल भेजा जा रहा है। क्या मामला है, किस मामले में पूरी गिरफ्तारी हुई? दिनांक 26/8/21 को एक सूचना मिली कि सोनू बिघा मोहल्ला है बोधगया थाना क्षेत्र में, वहां पर एक मोटरसाइकिल चोर को रंगे हाथ पकड़ा गया। बोधगया पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और पहुंचने के बाद उस चोर को हिरासत में लिया गया। उसके पास से एक मोटरसाइकिल और एक मास्टर चाबी बरामद हुआ और फिर उसकी निशानदेही पे उससे जब पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि वो चोरों के गैंग का सदस्य है। उसके गैंग में लगभग 5-6 लोग और हैं और ये लोग मोटरसाइकिल चोरी करते हैं बोधगया और आसपास के क्षेत्रों से, और चोरी करके फिर मोटरसाइकिल का इंजन नंबर, मोबाइल इंजन नंबर, नंबर प्लेट आदि बदल करके उसे शराब का अवैध धंधा करने वालों को बेच देते हैं। उनकी निशानदेही पे और 3 मोटरसाइकिल छापामारी करके बरामद हुए। इनके पूरे गैंग को पकड़ा गया है जिसमें कुल 5 सदस्य अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। इन लोगों ने जो मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं उसके अलावा 6 और मोटरसाइकिल के बारे में बताया है कि इन्होंने विभिन्न स्थानों से चोरी करके उसे बेचा है। अभी उन मोटरसाइकिल की बरामदगी के लिए छापेमारी की जा रही है। इनके पास से 15,000 रुपए नकद भी बरामद किए गए। पहले भी ये लोग बोधगया से बाइक वगैरह की चोरी की है क्या क्या? हाँ, ये बता रहे हैं कि बोधगया के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से इन्होंने 6-7 बाइक पहले भी चोरी किया है। कहाँ कहाँ के लोग हैं सर? ये लोग जो हैं वो एक वजीरगंज थाना के हैं, फतेहपुर थाना के हैं और गुरपा ओपी के हैं, सभी गया जिले के ही हैं। पहले भी इन पे कोई मामला चला है क्या? फिलहाल अभी इनसे जो पूछताछ किया गया उसमें ये बताया है कि पहले ये लोग कभी जेल नहीं गए हैं, लेकिन हम लोग उसका वेरिफिकेशन कर रहे हैं इनके संबंधित थाना से।